हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम बैक टू बेस्ट नोट्स ट्यूटोरियल। आज हम बात करने वाले हैं जो 15 आप लोगों की थ्योरीज रह गई थी लिटरेरी थ्योरीज की। पार्ट फर्स्ट में हम 15 ऑलरेडी कर चुके हैं, अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट 15। ठीक है, तो जो फर्स्ट है आप लोगों की वो है आपकी क्वीर थ्योरी। मीनिंग ऑफ क्वीर थ्योरी: फोकस ऑन रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेंडर एंड सेक्सुअलिटी इन लिटरेचर, चैलेंजेस हेटरोनॉर्मेटिविटी एंड एक्सप्लोर्स डाइवर्स सेक्सुअल आइडेंटिटीज। एंड नेक्स्ट जो है आप लोगों की नेक्स्ट थ्योरी, इसमें हम की फिगर्स देख लेते हैं। की फिगर्स आपका जूडिस बटलर एंड ईव पोपोस्की सेडविज, ये आप लोगों की फिगर्स हैं। अगर हम क्वीर थ्योरी में देखें, जूडिस बटलर जेंडर ट्रबल, इनके इनका वर्क है, 1990s में ये पब्लिश हुआ था। एंड सेकंड इज ईव पोपोस्की सेडविज, जो नेक्स्ट राइटर हैं आप लोगों के, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ द क्लोजेट, 1990 में ही ये भी पब्लिश हुई थी आपकी। तो कुछ और वर्क्स हम लोग देखेंगे जब हम डिटेल स्टडी करेंगे, अभी आप लोगों को यही लर्न करना है। नेक्स्ट है आप लोगों का रीडर रिस्पांस थ्योरी। रीडर रिस्पांस थ्योरी क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। अगर सबसे पहले देखेंगे उसका मीनिंग, एम्फेसिस ऑन द रीडर्स रोल इन इंटरप्रेटिंग टेक्स्ट। जब टेक्स्ट की बात आती है, किसी वर्क की बात आती है, तो उसमें टेक्स्ट में जो रीडर है उसका क्या रोल है उसको हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। रीडर रिस्पांस थ्योरी इसी का मतलब है। मतलब अगर हम इसका एक सिंप्लीफाई करके मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हम थ्योरी की बात करते हैं, क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, तो कोई वर्क कितना इम्पैक्ट है उस वर्क का, ये जानने के लिए हम देखते हैं कि रीडर पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, तो ये आप लोगों का रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी है। नेक्स्ट है सजेस्ट दैट मेकिंग इज क्रिएटेड थ्रू द इंट्रैक्शन बिटवीन रीडर एंड टेक्स्ट, कि जो मीनिंग है वो हम पहले से डिसाइड नहीं कर सकते किसी वर्क का। वो मीनिंग जैसे एक बुक पब्लिश होती है, ठीक है, वो बुक हम पब्लिकेशन के बाद ही हम जस्ट नहीं बोल सकते कि उस बुक के बारे में मतलब ओपिनियन नहीं दे सकते। जब हम बहुत सारा रीडर्स इसको रीड करेंगे और फिर उसका मीनिंग फॉर्म होगा कि उसका क्या इम्पैक्ट रीडर्स पर पड़ा है। ये रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी है इन शॉर्ट। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका कि की फिगर्स इसमें से कौन कौन से, इसमें स्टैनले फिश है एंड वुल्फगैंग इशर है। इम्पॉर्टेंट राइटर्स और उनकी अगर हम बुक देखें कि जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट हैं इस थ्योरी से रिलेटेड, वो है इज देयर अ टेक्स्ट इन दिस क्लास, 1980 में पब्लिश हुई है, स्टैनले फिश की एंड वुल्फगैंग इशर की, द एक्ट ऑफ रीडिंग 1978, डिकंस्ट्रक्शन उसके बाद आता है। नेक्स्ट थ्योरी आप लोगों को जाननी है डिकंस्ट्रक्शन, अ क्रिटिकल अप्रोच दैट डिसमेंटल्स एंड क्वेश्चंस एस्टैब्लिश्ड मीनिंग एंड स्ट्रक्चर्स। डिकंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है, जो एस्टैब्लिश्ड मीनिंग एंड स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम क्या करते हैं, डिसमेंटल करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि जो निकल कर क्या आता है। इम्फेसिस ऑन स्टेबिलिटी ऑफ लैंग्वेज एंड मीनिंग, कि इसमें डिकंस्ट्रक्शन में ये बात बोली जाती है कि जो लैंग्वेज और मीनिंग है वो उसकी वो इनस्टेबल है, मीन्स उसका मीनिंग टाइम के साथ साथ चेंज होता जाता है, या कहाँ पर उस चीज़ को किस तरह से यूज किया जा रहा है वहाँ पर बिल्कुल चेंज हो जाता है उसका मीनिंग जो टेक्स्ट लिखा जाता है। नेक्स्ट है आप लोगों का की फिगर्स जैक्स डेरिडा की जो बुक है, इम्पॉर्टेंट राइटिंग एंड डिफरेंस है, 1967 में ये पब्लिश हुई थी। पॉल डिमन जो है ब्लाइंडनेस एंड इनसाइट, 1971। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है आपका कल्चरल मटीरियलिज्म। कल्चरल मटीरियलिज्म एग्जामिन्स कल्चरल एंड लिटरेरी टेक्स्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मटीरियल कंडीशंस एंड पावर स्ट्रक्चर्स, एम्फेसिस ऑन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एंड सोसाइटल इन्फ्लुएंसेस। तो जैसा कि आपको इससे समझ में आ गया होगा, कल्चर से, कल्चर वर्ड से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो कल्चर है और लिटरेरी टेक्स्ट है उनके बीच में क्या कनेक्शन है, उसको जब हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो वही हमारा कल्चरल मटेरियलिज्म की थ्योरी बन जाती है। इसमें जो की फिगर्स हैं वो है आपके रेमंड एंड जोनाथन डॉलीमोर, ये की फिगर्स हैं। इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स और बुक्स हैं वो है आपका कल्चर एंड सोसाइटी 1958 एंड सेकंड है पॉलिटिकल शेक्सपियर 1985, ये जोनाथन डॉलीमोर की बुक है। तो बुक और पब्लिकेशन और राइटर से आप लोगों को क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो अगर आप पूरी पीडीएफ कर लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि एक जो स्टेप है आपका वो क्लियर हो जाता है। कोई भी एग्जाम अगर आपको क्लियर करना होता है तो सबसे पहले आप
जो सर्फेशियल नॉलेज है वो सिलेबस का वो कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट लेवल होता है कि आप इन डेप्थ में जाएं उसमें। डिजिटल ह्यूमैनिटीज़ ये नया टूल है, नई थ्योरी है, द यूज़ ऑफ डिजिटल टूल एंड मैथड्स टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट लिटरेरी टेक्स्ट, एम्फसिस ऑन इंटर डिसप्लिनरी अप्रोचेज एंड डेटा ड्रिवन रिसर्च। इसमें जो की फिगर्स हैं उनमें फर्स्ट है आप लोगों का फ्रेंको मॉरिटी एंड सेकेंड है मैथ्यू क्रिश्चियन बॉम। इम्पॉर्टेंट बुक्स आप देख सकते हैं, 2005 में पब्लिश हुई थी, न्यू मीडिया एंड फॉरेंसिक इमेजिनेशन, ये 2008 में पब्लिश हुई थी। उसके बाद आता है आपका 21 स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म, अ ब्लेंड ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म एंड मार्क्सिस्ट थ्योरी। देखिए मार्क्सिस्ट थ्योरी जो है वो सोशल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं। और जो फोकस है इसका स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म का वो है अंडरलाइंग इकोनॉमिक एंड सोशल स्ट्रक्चर्स को रीड करना, उनके उनको एग्जामिन करना, ओके, सो उनसे उनका क्या इन्फ्लुएंस है लिटरेचर पर उसको फाइंड आउट करना, ये स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म का वर्क है। इसमें लुइस आल्थ्यूज़र आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी बार पढ़ा होगा जब आप लिटरेरी थ्योरी पढ़ते हैं, पियरे मैकरे, ये आप लोगों के सेकंड है इम्पोर्टेंट राइटर और थ्योरिस्ट यू कैन कॉल। उसमें आप लोगों को फॉर मार्क्स ये 1965 में आल्थ्यूज़र की है एंड पियरे मैकर की है अ थ्योरी ऑफ लिटरेरी प्रोडक्शन, ये आपका 1966 में पब्लिश हुई है। नेक्स्ट है आपका फिनोमेनोलॉजिकल क्रिटिसिज्म, इसका जो मीनिंग है उसे देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि हम एनालिसिस करते हैं जो लिटरेचर है बेस्ड ऑन ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड एक्सपीरियंसेस, एम्फेसिस ऑन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ रीडिंग। इसमें एडमंड हर्सल जो है वो आप लोगों के की फिगर हैं। नेक्स्ट जो की फिगर है वो है आप लोगों का मॉरिस मैल्यू पोंती। वर्क्स आप लोग देख सकते हैं आइडियाज 1913 एंड मॉरिस मैल्यू पोंती, ये फिनोमेनोलॉजी ऑफ परसेप्शन 1945 में इनका ये पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट है स्टाइलिस्टिक्स, तो जो स्टाइलिस्टिक्स है उसका मीनिंग देख लेते हैं। द स्टडी ऑफ लिंग्विस्टिक एंड स्टाइलिस्टिक फीचर्स ऑफ टेक्स्ट, एम्फेसिस ऑफ लैंग्वेज स्ट्रक्चर एंड रेटोरिकल डिवाइसेस। तो कुछ जो की टर्म्स है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जो जो भी आप लोगों की थ्योरी है वो थ्योरी किस फील्ड में काम करती है। की फिगर्स रोमन जैकबसन एंड जॉफ्रे लीच, इनकी जो बुक्स हैं एटलीस्ट टू टू बुक्स भी आप हर थ्योरी की याद कर लेते हैं तो काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको एग्जाम में। लिंग्विस्टिक एंड पोएटिक्स 1960 एंड लिंग्विस्टिक गाइड टू इंग्लिश पोएट्री 1969। 24th, ये आप लोगों का इको क्रिटिसिज्म। इको क्रिटिसिज्म थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इन्वायरमेंट या इकोलॉजिकल थीम से रिलेटेड है। एग्जामिनेशन ऑफ लिटरेचर रिलेशनशिप विद इन्वायरमेंट, तो जो इको क्रिटिसिज्म होता है वहाँ पे आप लोगों को इन्वायरमेंट के साथ लिटरेचर का क्या रिलेशनशिप है वो फाइंड आउट किया जाता है। इसमें शेल ग्रॉट फेल्टी, ये पहले की फिगर है, लॉरेंस बिल ये सेकंड की फिगर है आप लोगों का। इनकी दो बुक्स आप लोगों को याद रखनी है, इको क्रिटिसिज्म रीडर 1996, द फ्यूचर ऑफ इन्वायरमेंटल क्रिटिसिज्म 2005। अब आ जाते हैं न्यू क्रिटिसिज्म में। न्यू क्रिटिसिज्म फोकस ऑन क्लोज रीडिंग एंड टेक्सुअल एनालिसिस, हम क्लोज रीडिंग और टेक्सुअल एनालिसिस में फोकस करते हैं। एम्फेसिस ऑन द टेक्स्ट इटसेल्फ इंडिपेंडेंट ऑफ ऑथोरियल इंटेंट और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, सिर्फ जो टेक्स्ट है इसमें हम न्यू क्रिटिसिज्म में टेक्स्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं। की फिगर्स जॉन क्रॉल रैनसम एंड क्लिनिथ ब्रुक, और न्यू क्रिटिसिज्म जो है वो टर्म भी जॉन क्रॉड रैनसम से ही रिलेटेड है, आप लोगों को याद रखना है। इनकी जो बुक आई थी वो थी न्यू क्रिटिसिज्म 1941 में, दी वेल रॉट अर्न, ये 1947 में क्लिनिथ ब्रुक की वर्क है। एग्जिस्टेंशियलिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म फोकस ऑन थीम ऑफ एग्जिस्टेंशियल एंगस्ट फ्रीडम एंड इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, एम्फसिस ऑन एम्फसाइज ऑन
एब्सर्डिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड क्वेस्ट फॉर मीनिंग, ये आपका एग्जिस्टेंशियलिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म है। यहाँ पे आप जो फोकस करते हैं वो एग्जिस्टेंशियल टॉपिक्स पर आप करेंगे, एब्सर्डिटी पर करेंगे। ये आप लोगों का न्यू क्रिटिसिज्म, या आप ये कहें कि जो मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर है उससे रिलेटेड है। इसमें कुछ की फिगर्स आप लोग याद रखेंगे, जैसे फर्स्ट है आप लोगों का जीन पॉल सार्ट्रे एंड अल्बर्ट कैम्यू। अल्बर्ट कैम्यू आप लोगों का एब्सर्डिटी पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लिखा है, मीन्स उनके जो वर्क है उसी के ऑल अराउंड चलते हैं। इनके वर्क एंड नथिंगनेस 1943 एंड द मिथ ऑफ सिसिफस। अब है आप लोगों का 27th आर्किटिपल क्रिटिसिज्म, एनालिसिस ऑफ लिटरेचर थ्रू यूनिवर्सल सिंबल्स एंड आर्किटाइप्स। यहाँ पे हम आर्किटाइप्स को लेकर हम क्या करते हैं, लिटरेचर को एनालाइज करते हैं बेस्ड ऑन द थ्योरीज ऑफ कार्ल जंग, और कार्ल जंग की जो थ्योरीज थी उस पर बेस्ड हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्टडी करते हैं। की फिगर्स इसमें कार्ल जंग हो गया, नॉर्थरॉप फ्राई हो गया, इंपॉर्टेंट जो इनके वर्क्स हैं कार्ल जंग के, द आर्किटाइप्स एंड द कलेक्टिव अनकॉन्शियस 1959, नॉर्थरॉप फ्राई का एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म 1957, स्ट्रक्चरलिस्ट फेमिनिज्म कंबाइंस स्ट्रक्चरलिज्म एंड फेमिनिस्ट एनालिसिस, दोनों को कंबाइन करके स्ट्रक्चरलिज्म और फेमिनिस्ट एनालिसिस को कंबाइन करके स्ट्रक्चरलिस्ट फेमिनिज्म जो है थ्योरी बनी है। फोकस ऑन अंडरलाइन स्ट्रक्चर दैट परपेचुएट जेंडर इन इक्वालिटीज। इसमें आपका जूलिया क्रिस्टीवा हो गया, ल्यूक इरिगेरी हो गया, ये आप लोगों के वो इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं। इनकी जो बुक्स हैं वो रेवोल्यूशन इन पोइटिक लैंग्वेज 1974 एंड स्पेकुलम ऑफ द अदर वेमेन 1974। ब्लैक फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, फोकस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रेस जेंडर एंड क्लास इन लिटरेचर। यहाँ पे भी आपका फेमिनिस्ट जो है वहाँ पे जेंडर और क्लास को हम क्या करते हैं एक तरह से एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं, और एड्रेस इश्यूज स्पेसिफिक टू ब्लैक वुमेन। तो ब्लैक वुमेन के जो इश्यूज हैं उन्होंने इसमें उनको एड्रेस करने की कोशिश की है। एंड की फिगर्स बेल हुक्स एंड ऑड्रे लॉर्डे, इम्पॉर्टेंट राइटर्स एंड बुक्स। पहला है एंटी वुमेन 1981 एंड सिस्टर आउटसाइडर, ये 1984 में आया। क्रिटिकल रेस थ्योरी, ये एग्जामिनेशन ऑफ लिटरेचर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेस एंड रेसिज्म। तो रेस एंड रेसिज्म के कॉन्टेक्स्ट में जब हम लिटरेचर को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, तो वही आप लोगों की थ्योरी बनकर निकल कर आती है। फोकस ऑन मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस एंड सोशल कंस्ट्रक्ट ऑफ रेस। इसमें आपका किम्बर्ली क्रेंशॉ है और रिचर्ड डेलगाडो, आप लोगों को याद रखना है। इम्पॉर्टेंट जो उनकी बुक्स है उसे देखेंगे हम लोग। जो क्रेंशॉ है उनकी बुक थी क्रिटिकल रेस थ्योरी द की राइटिंग्स दैट फॉर्म द मोमेंट 1995, रिचर्ड डेलगाडो क्रिटिकल रेस थ्योरी एन इंट्रोडक्शन 2001, ये 2001 में पब्लिश हुई है। पोस्ट मॉडर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म चैलेंजेज ट्रेडिशनल नैरेटिव्स एंड कन्वेंशंस, एम्फसाइजेस आयरनी प्लेफुलनेस एंड ब्लरिंग ऑफ द बाउंड्रीज। की फिगर्स जीन फ्रैंकोइस लियोटार्ड एंड फ्रेडरिक जेम्सन। इनके बुक्स देख लेते हैं जो आप लोगों को करनी है बाद में, मीन्स एटलीस्ट आप लोगों को सीरीज बना लेनी है और सीरीज करके इसे लर्न कर लेना है, टॉपिक से आप लोग काफ़ी कुछ कर सकते हैं। द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन 1979, फ्रेडरिक जेम्सन पोस्ट मॉडर्निज्म और द कल्चरल लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म 1991, ट्रामा थ्योरी, ये आता है आपका एनालिसिस ऑफ लिटरेचर दैट डील्स विद ट्रामा एंड इट्स इफेक्ट, फोकसेस ऑन ट्रामा इज रिप्रेजेंटेड एंड पजेस्ट इन द टेक्स्ट, लिटरेचर में किस तरह से ट्रॉमा को यूज किया जाता है वो है आप लोगों का इस थ्योरी के अंडर में। की फिगर्स हैं आप लोगों का कैथी कैरल्स जो है, शोशाना फेलमैन, ट्रॉमा नैरेटिव्स एंड हिस्ट्री 1996, ये इस थ्योरी से रिलेटेड बुक है जो आपको याद रखनी है। टेस्टिमनी क्राइसिस और विटनेसिंग इन लिटरेचर साइको एनालिसिस एंड हिस्ट्री 1992, जेंडर स्टडीज एनालिसिस ऑफ लिटरेचर थ्रू द लेंसेज ऑफ जेंडर, एक्सप्लोर्स द कंस्ट्रक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेंडर आइडेंटिटीज। की फिगर्स है आपका जूडिथ बटलर, आप लोगों ने ये सभी नाम स्टडी किए होंगे जब आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। तो वहाँ कोर्स में आप लोगों को इसे डिटेल में मैंने बताया था चीज़ों को, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ क्या करना है,
चीज़ों को बहुत डिटेल में जाने की बजाय फैक्ट वाइज चीज़ों को लर्न कर लेना है। इसमें आपका बॉडीज दैट मैटर 1993 एंड बिटवीन मैन इंग्लिश लिटरेचर एंड मेल होमोसोशल डिजायर। लास्ट आपका न्यू क्रिटिसिज्म, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक है, तो इतनी आप लोगों के दो पार्ट में आप लोगों ने देख लिया होगा कि 33 आप लोगों की जो थ्योरीज हैं वो हमने उनको कोर्स का पार्ट बनाया है। अगर आप लोग खुद से स्टडी कर रहे हैं तो ये थ्योरीज आप लोग टारगेट कर सकते हैं, एज अ गाइड इस पीडीएफ को यूज किया जा सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।